हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल में लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाना। तो लोन का ईएमआई कैलकुलेटर हम एक्सेल में खुद से कैसे बना सकते हैं? तो एक्सेल में हम बहुत सारा फॉर्मूला यूज करके हम कोई भी कैलकुलेटर या कुछ भी हम ऑटोमेटिक बिल या कुछ भी बना सकते हैं एक्सेल में। तो आज सीखेंगे एक्सेल में लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाना। तो लोन ईएमआई कैलकुलेटर अगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोन अमाउंट डालेंगे, उसका टर्म डालेंगे, मतलब कितने दिन के लिए हम लोन लेना चाहते हैं, उसके बाद उसका इंटरेस्ट रेट डालेंगे, ईयरली इंटरेस्ट रेट कितना होगा, वो डालने से ऑटोमेटिकली उसका ईएमआई, उसके बाद टोटल ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट सब कुछ आ जाएगा। तो कैसे निकलेगा इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाया हुआ है। तो लोन अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे 2.5 लाख, और यहाँ पे ईयरली इंटरेस्ट रेट मैंने लिखा है 15% टर्म इन ईयर, मतलब 3 साल के लिए हमने लोन लिया है। तो यहाँ पे मैंने 3 साल डाला। मंथली इंस्टॉलमेंट जो है 8,666 ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद टोटल इंस्टॉलमेंट भी यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया, और टोटल इंटरेस्ट भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लोन अमाउंट चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने लोन अमाउंट को थोड़ा चेंज कर दिया, तो 3,90,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आपका मंथली इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो गया, टोटल इंस्टॉलमेंट भी चेंज हो गया, उसके बाद टोटल इंटरेस्ट भी चेंज हो गया। तो ये जो है आप फॉर्मूला से खुद क्रिएट कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो एक्सेल में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा फॉर्मूला है। तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है फाइनेंशियल फॉर्मूला। यहाँ पे आपको एक नीचे जाएंगे तो आपको पीएमटी, पीपीएमटी इस तरह का फॉर्मूला दिखेगा। तो आपको पीएमटी में सिलेक्ट करना है, पीएमटी मतलब पेमेंट टर्म फॉर्मूला। तो इसमें आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, और इसको यूज करके आपको लोन का ईएमआई निकाल सकते हैं। तो आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट, तो लोन का जो ईएमआई आप निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लोन अमाउंट, ईयरली इंटरेस्ट रेट, और आपका जो है यहाँ पे टर्म, मतलब कितने दिन के लिए आप लोन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इयर्स। तो आप यहाँ पे 5 इयर्स भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ईएमआई, टोटल इंस्टॉलमेंट और मंथली इंस्टॉलमेंट सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट का जो फॉर्मूला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है इक्वल टू पीएमटी, मतलब पेमेंट टर्म फॉर्मूला यूज किया है, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट, उसके बाद बी थ्री। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेल नंबर B3 में क्या है, इंटरेस्ट रेट, मतलब ईयरली इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये ईयरली इंटरेस्ट रेट है, 12 से आप डिवाइड करेंगे तो मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद लिखा है बी फाइव में आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्म, तो टर्म कितने दिन के लिए, 5 इयर्स। तो 5 इयर्स मतलब B5 इंटू 12, मतलब 5 इंटू 12 मतलब 60 मंथ्स, इसको भी मंथ में आपको कन्वर्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे B1 में आपका लोन अमाउंट, तो यहाँ पे डालना है आपको लोन अमाउंट, तो कोमा देखिए आपको लोन अमाउंट डालना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, इनटू -1। तो -1 देंगे तो आपका जो है, क्योंकि नहीं तो नेगेटिव साइन में आ जाता है, इसलिए -1 देना पड़ता है, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मंथली इंस्टॉलमेंट कितना है, 9,278। उसके बाद ऑटोमेटिकली टोटल इंस्टॉलमेंट और टोटल इंटरेस्ट आ गया। तो इस तरह से आप ये फॉर्मूला यूज करके आप लोन का कैलकुलेटर बना सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतने, वीडियो अच्छा लगे तो इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।